वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। आज हम क्रिएट करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ गियर टॉप कवर, जिसमें सॉलिड वर्क के कुछ फीचर टूल्स यूज किए गए हैं, जैसे एक्सट्रूड कट है, फिर एक्सट्रूड बॉस बेज है, फिर कॉस्मेटिक थ्रेड है, काउंटर बोर है, फिर कुछ कॉपी एंटिटी है। तो इसका टॉप प्लान हम देख लेते हैं जो 2D में हमने क्रिएट किया है। तो इसके रेक्टेंगल की साइज़ है 475 और हाइट है इसकी 220 mm। यहाँ से एक कट लगाया गया है, 190 mm लेंथ है जिसकी और 184 इसकी हाइट है। फिर होल के डिस्टेंस अब यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं जो आगे हम ड्राइंग में बनाने वाले हैं, और सेक्शन दिए हैं इसके, ये सेक्शन यहाँ पे मेंशन किया है जिसके होल की डीप है। फिर नीचे वाले कॉलर की हाइट 6 mm है। कॉस्मेटिक होल है जिसका 10.5 mm डीप है, टोटल हाइट 35 mm है। तो ये सब सारे डायमेंशन हमने mm साइज में यहाँ पे मेंशन किए हैं। काउंटर बोर का भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है जिसकी जिसका काउंटर 20 mm है और डीप 10 mm और मेन होल है इसका 12 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम टॉप प्लान सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल एक्टिवेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल विड्थ है इसकी 475 mm एंड वर्टिकली हाइट है इसकी 220 mm। यहाँ से एक कॉर्नर कट लगाएंगे हम। इसकी लेंथ होगी 190 mm और इस लाइन से इस लाइन की हाइट होगी 184। ओके, एक्टिवेट ट्रिम एंटिटी, पावर ट्रिम, होल्ड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग इट, ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाएगी लाइन। इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल की दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हॉरिजॉन्टल, और एक बार वापस से इस पॉइंट इस लाइन के पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल की दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकल। ओके, हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। अब इसको एक्सट्रूड बॉस बेज फीचर एक्टिवेट करेंगे, ब्लाइंड कंडीशन इसकी हाइट रहेगी 35 mm। ओके, चैम्फर, ये दो कॉर्नर को हमको चैम्फर लगानी है 60 डिग्री में, 20 mm, 60 mm इसका एंगल रहेगा, 60 डिग्री इसका एंगल रहेगा। ये दोनों एंगल पोजीशन सही इसकी एक जैसी नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फ्लिप डायरेक्शन एंड देन ओके। अब बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है एंड देन स्केच, ऑफसेट एंटिटी, रिवर्स जिसकी गैप रहेगी दोनों के बीच की 6.25, देन ओके। फीचर एक्सट्रूड कट,
हम बाहर की साइड में इसको कट लगाएंगे। इसकी हाइट रहेगी 29 mm, 29 mm, बट फ्लिप साइड, बाहर की साइड में कट लगाना है। ओके okay. ऊपर वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे, एडिट, ऑफसेट एंटिटी, इसका डिस्टेंस रखना है हमें 12.5, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। यहाँ भी कट लगेगा, एक एक्सट्रूड कट, इसकी डीप भी 29 mm होगी, ओके। अब इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, एडिट, स्केच, स्ट्रेट स्लॉट, डायमेंशन देंगे इसको 18.5 mm, रेडियस रहेगी इसकी 12.5 mm, एक सेंटर लाइन इसके साथ जोड़ देते हैं। ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट के वर्टिकली लाइन में रहना चाहिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में रहना चाहिए। लाइन को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी, फिर से ट्रिम टूल एक्टिवेट करेंगे, पावर ट्रिम, अननेसेसरी लाइन को डिलीट कर देना है। फुल्ली डिफाइन, कैलकुलेट, ओके। फीचर एक्सट्रूड बॉस बेस, रिवर्स डायरेक्शन, नीचे की साइड में इसको एक्सट्रूड करना है, सिंपली आपको करना है अप टू नेक्स्ट, ओके। मिरर फीचर एक्टिवेट करेंगे, प्लेन सिलेक्ट करेंगे, राइट प्लेन, फीचर बॉस एक्सट्रूड, ओके। फिर से फेस सिलेक्ट करके स्केच क्रिएट करना है हमें, तो हमें सर्कल एक्टिवेट करेंगे, सेंटर सर्कल, यहाँ पे सर्कल क्रिएट करेंगे, इसका डायमेंशन रहेगा 20 mm, ओके। इस फेज पर और भी दूसरे होल करने पड़ेंगे जो हमने ड्राइंग में मेंशन किए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम मूव एंटिटी वाला बार है उसमें जाके कॉपी एंटिटी,
कॉपी किसकी करनी है, तो हमें इस सर्कल की करनी है। पॉइंट लेना है सेंटर पॉइंट, और आपको जहाँ भी इसको रखना है वहाँ सिंपली जाके क्लिक कर लीजिए। एक होल यहाँ रखना है, एक होल यहाँ रखना है, एक होल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक होल एक यहाँ पे, देन ओके। नाइन सर्कल हमने क्रिएट कर दिए है। अब इसको इसका डायमेंशन देना है हमें, तो सबसे पहले हम इस लाइन से इसका पॉइंट सर्कल रहेगा 33, इस लाइन से इस होल का गैप रहेगा 220 mm। इस लाइन से इसका होल सर्कल का गैप है 305 mm। हमने जो ड्राइंग में मेंशन किया है उस हिसाब से हम इसके डायमेंशन अप्लाई कर रहे हैं। इस पॉइंट से ये गैप है 65 mm। इस फेस से डिफ़ॉल्ट ये 390 mm रहना चाहिए। ओके, हमारे डायमेंशन हम जो अप्लाई कर रहे हैं ड्राइंग के हिसाब से वो सही है। मैं बार बार आपको ड्राइंग शो नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रिंट आउट इसकी निकाल के रखी हुई है, उसके हिसाब से मैं ये क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसकी वजह से मैं बार बार आपको ड्राइंग शो नहीं कर रहा हूँ। फिर इस लाइन से इसकी लेंथ रहेगी 140 mm। इन दोनों होल के बीच की गैप है 125, और इस होल की लेंथ रहेगी 270 mm। अब इस होल को सिलेक्ट करके कंट्रोल की दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और सिंपली इसको टेंजेंट रिलेशन में ओके कर देना है। फुली डिफाइन, कैलकुलेट,
ओके, हमें अब इन लाइनों को कन्वर्ट एंटिटी में करना है। ओके, इस लाइन और इस लाइन को भी कन्वर्ट एंटिटी, ट्रिम एंटिटी, पावर ट्रिम, देन ड्रैग। अननेसेसरी लाइन को हमें ट्रिम कर देना है। अब हमें बाहर वाले सर्कल जो है एक्स्ट्रा, उनको भी ट्रिम करना है। ओके, हमारे सारे होल फुली डिफाइन हो चुके हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस एक्टिवेट करना है। अब हमें सारे होल एक्सट्रूड करने हैं, इसके लिए सिलेक्ट काउंटर बोर में जाके एक एक करके सबको सिलेक्ट कर दीजिए। रिवर्स डायरेक्शन, ब्लाइंड कंडीशन अप टू नेक्स्ट। ओके, इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच क्रिएट करना है। एक होल यहाँ पे क्रिएट करना है और एक सर्कल यहाँ पे करना है। सेंटर लाइन एक क्रिएट कर लेते हैं। इसका डायमीटर रहेगा 70 mm। इसका डायमीटर रहेगा 100 mm। फ्रॉम दिस लाइन टू दिस पॉइंट 79 mm। दिस लाइन टू दिस पॉइंट 150। पॉइंट को सिलेक्ट करके लाइन को सिलेक्ट करना है, एंड देन कोइंसिडेंट रिलेशन। ओके, दिस पॉइंट टू दिस लाइन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 36.32। ओके, हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। ट्रिम एंटिटी
पावर ट्रिम से ये दोनों के बीच की लाइन को हम ट्रिम कर देंगे और एक फिलेट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। रेडियस देनी है हमको 5 mm की। क्लिक हियर एंड क्लिक हियर। ओके, फीचर एक्सट्रूड बॉस बेस। ट्वेंटी 7.5 mm। ओके, वापस ये फेस सिलेक्ट करेंगे एंड स्केच। होल सर्कल क्रिएट करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड देन ओके। डायमेंशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम दिस होल 80 mm। सिक्सटी एम एम इस होल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की होल्ड करके इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन इक्वल। सेंटर लाइन क्रिएट करनी है हमें हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट को इस लाइन से मिला के कोइंसाइड। इस लाइन से इस पॉइंट की हाइट रहेगी 50 mm। फ्रॉम दिस होल टू दिस होल
दिस होल 62.14। दिस सर्कल टू दिस सर्कल 88 mm। From this hole to this circle, 220 mm. From this point, this line to this point, 35.79. ओके हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। अब हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं। From this circle to this length, line 64 mm. ट्रिम टूल एक्टिवेट करेंगे दिस लाइन एंड दिस लाइन। ओके कन्वर्ट एंटिटी कन्वर्ट एंटिटी। फिर से ट्रिम टूल रेडियस 5 mm, दिस पॉइंट अगेन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके ओके फीचर एक्सट्रूड बॉस बेस and then up to surface this surface।
ओके एडिट, हमें यहाँ पे होल क्रिएट करने हैं। अब थ्रू होल रहेगा एक, इस सर्कल का डायमेंशन रहेगा 75 mm। फोर्टी फाइव सेवेंटी एम एम इसका आईडी रहेगा 30 mm और इसका रहेगा 25 mm। फीचर एंड एक्सट्रूड कट, थ्रू ऑल, ओके। अब इस फेस को सिलेक्ट करके इसका सर्कल क्रिएट करेंगे। फिफ्टी थ्री एम एम फीचर एक्सट्रूड कट, ब्लाइंड कंडीशन 27.5 mm, ओके। फेस को सिलेक्ट करना है और होल विजार्ड में जाना है हमें। काउंटर बोर्ड सिलेक्ट करना है, एक्स कैप स्क्रू, M12 mm नॉर्मल, कस्टमाइज, सो कस्टमाइज इसका स्टेप का हमें जो काउंटर होल है उसका और होल का डायमेंशन यहाँ पे सेट कर दीजिए आप। 12 mm मेन होल है, काउंटर इसका रहेगा 24 mm, काउंटर की डीप रहेगी 10 mm। अप टू नेक्स्ट, पोजीशन रखनी है हमें एक यहाँ पे और इसके जस्ट लाइन में एक यहाँ पे। एस्केप की दबा देनी है और हमें इसके डायमेंशन सेट करने हैं।
फ्रॉम दिस होल टू दिस पॉइंट 50 mm. इस पॉइंट से सर्कल 38 अगेन दिस पॉइंट टू दिस सर्कल, इसकी हाइट रहेगी 50 mm. ओके, एस्केप की दबा के इस पॉइंट को होल्ड कंट्रोल की एंड हॉरिजॉन्टल. ओके, काउंटर काउंटर जो है उसका साइज 20 mm रखना है हमें. ओके, फिर से हमें फेस सिलेक्ट करनी है और होल विज़ार्ड में जाना है. सेम वही काउंटर होल, काउंटर बोर भी बोल सकते हैं जिसे, वापस वही अप्लाई करना है हमें. पोजीशन एक होल यहाँ पे रखना है, एक होल यहाँ पे रखना है. एस्केप की, इसके डायमेंशन सेट करने हैं. इस होल से, इस होल का डिस्टेंस है 50 mm. इस होल से, इस होल का डिस्टेंस है 100 mm. इस होल से इस होल का हाइट में है, वर्टिकली डिस्टेंस है 50 mm. ओके, दोनों होल एक ही लाइन में ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल. ओके, फुली डिफाइन हमारा स्केच. सो एंड नाउ वी हैव टू क्रिएट ए कॉस्मेटिक थ्रेड. सिलेक्ट दिस फेस एंड गो टू होल विज़ार्ड. Select straight tap, unsymmetric, tapped hole, 6x1, blind condition, 12 mm. Okay, this as it is. Okay, and 1x1, select arc and automatically. So, plus point and enter. Carefully keep it on plus point.
एंड देन ओके। हमारे कॉस्मेटिक टैप्ड होल सारे अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए जूम करके इसमें थ्रेड शो नहीं हो रहे। इसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डिटेलिंग एंड शो हियर शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड, इसको चेक कर लेना है और ओके। सब में आपको थ्रेड शो होंगे अब ओके। तो अब हमारा स्केच ऑलरेडी डिज़ाइन तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक रिब क्रिएट करनी है हमें। इसके लिए क्या करेंगे, लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस पॉइंट को मिला लेंगे। सिंपली फीचर में जाके रिब टूल एक्टिवेट करना है। इस एरो पे हमें नीचे की साइड में इसको अप साइड में इसको रिब को एक्सट्रूड करना है। तो इसके लिए इसकी विड्थ रहेगी 6 mm एंड देन ओके। ओके वन मिस्टेक। प्लेन फेस ये सिलेक्ट करनी थी हमें, हमने नीचे वाली सिलेक्ट की है। वही लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और लाइन क्रिएट करेंगे। फीचर में जाके रिब एक्टिवेट करेंगे। इसकी विड्थ रहेगी 6 mm ओके। अब अपेयरेंस अप्लाई करेंगे हम। ये मटेरियल है कास्ट आयरन। मेटल में जाके आयरन सिलेक्ट करना है। कास्ट आयरन अप्लाई करना है। इसका कलर चूज कर लेंगे हम ओके। अब कुछ फेस हमें सिलेक्ट करनी है। थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखे उस हिसाब से हम अपीयरेंस अलग से सेट कर लेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे, स्टील में जाएंगे, मैट स्टील। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर हो सके तो आगे शेयर करना।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नए वीडियो और नए डिज़ाइन ट्यूटोरियल के साथ हम रोज़ बनाते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।